हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एसएफजी वर्सेस एबी, यानी कि दोस्तों जेंट्स वर्सेस ब्रेव्स मैच के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम में किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। साथ ही बात करें डीटी यानी कि ड्रीम टीम के बारे में। तो और दोस्तों जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करता हूँ मैं ड्रीम टीम के बारे में। तो ड्रीम टीम की बात करने से पहले अब बात की जाए कि किस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं। तो उसमें मैं एसएफजी यानी कि जेंट्स के बारे में, तो जेंट्स ने अभी तक 147 मैच प्ले किए हैं, जहाँ पर 95 में विन और 52 में लॉस का सामना किया है। तो काफ़ी लाजवाब टीम है और काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर मैं किसी टीम से उठाकर चल सकता हूँ। मैं भाई बात करूँ एबीएन के ब्रेव्स के बारे में, तो ब्रेव्स ने दोस्तों 144 यानी कि 144 मैच प्ले किए, जहाँ पर 76 में विन और 68 में लॉस का सामना किया। तो पता चल रहा है ये भी काफ़ी अच्छी खासी टीम है। तो अब बात की जाए कॉम्बिनेशन के बारे में कि हम इस मैच में क्या कुछ कॉम्बिनेशन रखने वाले हैं। तो दोस्तों इस मैच में अपनी टीम में वैसे मैंने इस मैच में 6 और 3 कॉम्बिनेशन ट्राई किया, बाकी आप 4 और 5 और 4 का ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट 5-4 का ही हो सकता है। बाकी मैंने ऐसे प्लेयर उठाए दोस्तों जिनका स्टेट काफ़ी अच्छा खासा है और जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा करके हमें दिखा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करें ड्रीम टीम के बारे में। तो दोस्तों ड्रीम टीम, उससे पहले मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो फाइनल टीम होगी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। और ड्रीम टीम, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आप विजन 11 पर प्ले करके देखिए। अगर आपके पास विजन 11 नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में विजन 11 का लिंक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी कम है और आईपीएल स्टार्ट हो चुके हैं, और आईपीएल स्टार्ट हो चुके दोस्तों इसका मतलब है कि हम काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं विजन 11 से। तो मैं इसको ओपन करूँगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी टीम किस ऑफील्डर, किस इनफील्डर, किस पिचर, किस कैचर, इन सभी के बारे में मैं इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो वीडियो आपको एंड तक वॉच कर लेनी है, जो वीडियो एंड तक वॉच करेगा उसको काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी और उसके जीतने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों मैं बात करूँगा इनफील्डर सेक्शन से या मटर्स की। दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा प्लेयर है, पिछले मैच का जो परफॉर्मेंस था काफ़ी डाउन था, और जो मेजोरिटी लेवल जो इनका सबसे ज़्यादा सेलेक्टेड परसेंटेज होगा वो यही होने वाले हैं कैप्टन के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि दोस्तों इनका जो कैप्टनशिप का रेट होगा वो 30% से ज़्यादा आ सकता है अगर किसी अच्छे पिचर को प्ले का मौका ना दिया जाए आज के मैच में। दोस्तों ड्यूएल, डॉक्टर ड्यूएल का परफॉर्मेंस पिछले मैच में डाउन था, बाकी इससे अच्छी चॉइस नहीं है मेरे पास एबी से, तो इसलिए मैंने एबी को अपनी टीम से लिए उठाया है। दोस्तों मैं बात करूँ यमडस के बारे में, माफ़ कीजिएगा यमडस के, दोस्तों बेस्ट प्लेयर है और अब कैप्टनशिप चॉइस होने वाली है, बाकी अपनी टीम में सिर्फ आपको एज अपने लेके ही चलना है। ड्यूएल के बारे में बात करूँ तो ड्यूएल दोस्तों आप अपनी टीम से ड्रॉप लेके चल सकते हैं, बाकी दोस्तों स्टैट के ऊपर होता है। एनालिसिस करूँगा, स्टैट निकालूंगा और फिर प्लेयर को पिक करूँगा, फिर आपको फाइनल टीम दूंगा टेलीग्राम पर, आप टीम को याद से ज्वाइन कर लेना। दोस्तों सोलर, पिछले मैच का परफॉर्मेंस दोस्तों डाउन था मुझे मेरा मानना है, उससे पिछले मैच का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आपको देखने को मिला कि लगातार 2 मैच उसमें काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, इसलिए आप इनको अपनी टीम से उठाकर चल सकते हैं। दोस्तों इनफील्डर सेक्शन से बारे में बात करें तो रिले आपके लिए बेस्ट सोच है दोस्तों, इस मैच के लिए कन्फर्म प्ले करेंगे और काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे आज के मैच में। पिछले मैच में परफॉर्मेंस डाउन था लेकिन दोस्तों आज उनका परफॉर्मेंस मैंने थोड़े बहुत स्टैट निकाले, मैं दोस्तों आधी ज़्यादा नहीं तो काफ़ी थोड़े बहुत स्टैट मैंने निकाल लिए, जिससे मुझे लगता है कि आज उस रिले का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है, इसलिए मैं रिले को अपनी टीम में लेकर जरूर चलूँगा। क्राफोर्ड दोस्तों पिछले लगातार मैच उसे काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, 4 मैच उसे काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करें, पिछले मैच थोड़ा डाउन जरूर गया था लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, और आज के मैच में अपनी टीम में कैप्टन ट्राई करने वाला हूँ। बाकी दोस्तों स्टैट के ऊपर होगा, आपको पता है फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो क्राफोर्ड आपके लिए बेस्ट चॉइस है कैप्टन के लिए और वो इस कैप्टन के लिए है। दोस्तों मैं बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर ब्रांट के बारे में, तो ब्रांट भी आपके लिए काफ़ी अच्छी खासी चॉइस है, लगातार काफ़ी मैचों से काफ़ी अच्छे खासे परफॉर्मेंस में है। देखते हैं दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैचों से काफ़ी अच्छे खासे परफॉर्मेंस में, और 7 मैच जो बंदा परफॉर्मेंस में अपनी ग्रैंड लीग की टीम में आप इन्हें कैप्टन वॉइस कैप्टन की जगह भी दे सकते हैं। हम बात करें दोस्तों बेल्ट के बारे में, तो दोस्तों बेल्ट को आज की टीम में मैं अपनी टीम में वॉइस कैप्टन ट्राई करने वाला हूं, क्योंकि आपको देखने को मिला है जो उनका परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा लगातार मैचों से। आप दोस्तों इसीलिए मैंने इनको अपनी टीम के लिए उठाया, आपको देखने को मिला, देखिए कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, 11, 18, 38, 37 दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस, और लास्ट मैच में भी 4 पॉइंट कलेक्ट किए हैं। और मैं आपको बता दूँ ये कोई क्रिकेट नहीं है जहाँ पर आपको प्लेयर की 80 और 100 पॉइंट देखने को मिल जाए, ये बेसबॉल है, इसको आप T10 का मैच भी कह सकते हैं, यहाँ पर हर प्लेयर को मौका नहीं दिया जा सकता। पिछले दोस्तों मैंने गोसमैन को ट्राई किया है, पिछले मैच का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था और उससे पिछले मैच का परफॉर्मेंस भी काफ़ी ठीक ठाक ही था, और इसी परफॉर्मेंस के कारण इन्हें मैंने अपनी टीम के लिए उठा लिया है। और दोस्तों बात करूँ कैसर के बारे में, तो मैंने कसाली को ट्राई किया है, दोस्तों ड्यू टू क्रेडिट इशू थोड़ा बहुत क्रेडिट इशू होने वाला है इस मैच के लिए, तो हो सके तो आपको अपनी टीम इस मैच में काफ़ी कम पैसा इन्वेस्ट करके चलना है।
कैप्टन तो इस दोस्तों मैं बता सकूँ दोस्तों क्रॉफर्ड, और वो इसका प्रीमियर बेल्ट को ट्राई किया है। बाकी दोस्तों यामाटर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगने वाला है आज के मैच में, आपको उनको टीम में कैप्टन ट्राई नहीं करना है तो उसको सेव कर देता हूँ। दोस्तों आप सभी को पता काफ़ी मेहनत लगी है मेरी, मेहनत के लिए प्लीज़ से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम रिटर्न आपको ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।